गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण, और जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत अपन ने द्वि जगत प्रणाली, त्रि जगत प्रणाली, चतुर जगत प्रणाली और पंच जगत प्रणाली का अध्ययन किया। पंच जगत प्रणाली जो है वो आर एच विटेकर ने दी थी, और आर एच विटेकर ने पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले समस्त जीवों को पांच भागों में विभाजित किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। उसमें से अपन ने मोनेरा का अध्ययन अपने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे अध्ययन किसका, प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा क्या है, आप लोगों को पता है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात प्रोटिस्टा में जो भी कोशिकाएं होंगी उन सभी कोशिकाओं में सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्रक जो है वो विकसित प्रकार का होता है, और इनमें जो गमनांग पाए जाते हैं उस गमनांग की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें पांच भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट्स, युग्लिनोइड, अपवंक कवक और प्रोटोजोआ। पहले जब विटेकर ने क्लासिफिकेशन नहीं दिया था उस समय से पहले प्रोटोजोआ को हम जंतु जगत के अंतर्गत अध्ययन करते थे, तो यहां पर जो विटेकर का क्लासिफिकेशन है वो पादप और जंतु के आधार पर न होकर किसके आधार पे है, पोषण की विधि, कोशिका का प्रकार, केंद्र का प्रकार, केंद्र की झिल्ली, कोशिका भित्ति का प्रकार इन और प्रजनन, इन आधारों पे है। ठीक है, तो उन्होंने अपने आधार पे समस्त जीव जगत को पांच भागों में विभाजित किया। तो जो मोनेरा की अपन बात कर रहे थे या प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में दोनों चीजें आ सकती है, अर्थात पादप और जंतु दोनों सम्मिलित हो सकते हैं, बशर्ते कि उनमें क्या हो, कोशिका की संख्या एक हो। ठीक है, अगर कोशिका की संख्या एक है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु, और पादप और जंतु का हम कैसे पता लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कोशिका और कोशिका के चारों ओर अगर एक अतिरिक्त परत और पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं कोशिका भित्ति, तो वो क्या है, पादप है। लेकिन विटेकर ने क्या किया कि कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की है तो उसे मोनेरा के अंतर्गत रख दिया। अब चाहे उसमें कोशिका भित्ति हो या न हो, ठीक है, नहीं होगी तो वो क्या होगा, जंतु होगा, और होगी तो वो क्या होगा, पादप होगा। लेकिन अगर प्रकार उसका कैसा है, प्रोकैरियोटिक, तो वो किसमें आ गया, मोनेरा में। और अगर प्रकार उस कोशिका का कैसा है, यूकैरियोटिक, अर्थात जिसमें सुविकसित केंद्र पाया जाता है और लगभग समस्त प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उसको किसके अंतर्गत रखा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। ठीक है, अब प्रोटिस्टा को पांच भागों में विभाजित किया, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट्स, युग्लिनोइड, अपवंग कवक और प्रोटोजोआ। ये वर्गीकरण जो है वो किसके आधार पे है, वो कोशिका की गमनांग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गमनांग और उनमें होने वाले जनन के आधार पे है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइसोफाइटा की। क्राइसोफाइटा के अंतर्गत इन्होंने सुनहरे शैवाल, अब मैं शैवाल की बात कर रहा हूं, तो शैवाल के अंतर्गत क्या है, उसकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक प्रकार से पादप हो गए। ठीक है, तो अब इनके चारों ओर क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरी बात, ये दोनों प्रकार के, ये जलीय पादप, जलीय प्राणी है और दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के जल से तात्पर्य यहां लवणीय और अलवणीय जल है। ठीक है, और इनकी कोशिका भित्ति जो है वो साबुनदानी के समान होती है। ठीक है, और साबुनदानी के समान होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति, जब ये जीव मृत हो जाते हैं तो उस कोशिका भित्ति के अवशेषों से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे पॉलिश करने में, तेल को छानने में। ठीक है, और इसे डायटमी मृदा भी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से समुद्र का बहुत बड़ा उत्पाद है, या समुद्र का मुख्य उत्पाद क्या है, डायटमी मृदा है। तो इन जीवों के मृत होने पर उनकी कोशिका भित्ति जो होती है उससे डायटमी मृदा तैयार होती है, जिसे पॉलिश वगैरह में
तेल के निस्संदन में काम में लेते हैं। दूसरा है अपना डायनोफ्लेजिलेट्स। देखिए दो प्रकार के गमनांग होते हैं, ध्यान में रखना है, मैं आपको बता देता हूं, वैसे ये कोशिकांग वाले चैप्टर में आएगा। एक को कहते हैं कशाभिका, एक को कहते हैं पक्षमाभिका। ठीक है, पक्षमाभिका का आकार जो है वो छोटा होता है और कशाभिका का आकार बड़ा होता है। जैसे अगर अपन बात करें, आप लोगों ने दसवीं तक पढ़ा है पैरामीशियम, पैरामीशियम की संरचना इस प्रकार की होती है और इसके चारों ओर क्या होता है, इस प्रकार के गमनांग जिनको अपन कहते हैं छोटे छोटे आकार के पक्षमाभिकाएं पाई जाती है। और दूसरा अगर अपन देखें क्लेबाइडोमोनास, तो क्लेबाइडोमोनास में ये बड़े आकार की गमनांग पाए जाते हैं जिसे हम कशाभिका कहते हैं। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर जो रोए हैं वो क्या है, पक्षमाभिका, जिनका आकार क्या है, छोटा है। ठीक है, और जो अपने बाल हैं जिनका आकार बड़ा है वो क्या हो गए, कशाभिका है। लेकिन यहां पर ये दोनों संरचनाएं जो है पक्षमाभिकाएं और कशाभिकाएं क्या करती है, गमनांग का कार्य करती है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है इनमें, पक्षमाभिकाएं जो है वो शरीर की संपूर्ण सतह के ऊपर पाई जाती है, जबकि कशाभिकाएं किसी भी सतह पर पाई जा सकती है, दोनों सतहों पर पाई जा सकती है, चारों सतहों पर पाई जा सकती है। ठीक है, जैसे एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह या एक सतह पर पाई जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि पक्षमाभिकाओं में जो गमन होता है या पक्षमाभिकाओं में जो गति होती है वो तरंगित गति होती है, और जितनी भी पक्षमाभिकाएं शरीर के ऊपर पाई जाती है किसी भी कोशिका के या किसी भी जीव के, उनमें सब में एक साथ गमन होता है, जबकि कशाभिका को कोई भी जीव जो है स्वतंत्रता पूर्वक गमन करवा सकता है। स्वतंत्रता पूर्वक गमन करवा सकने का मतलब क्या है, वह यह है कि जैसे ये मेरे दो हाथ है, अब मैं चाहूं तो एक हाथ को हिला सकता हूं, एक हाथ को रोके रख सकता हूं, चाहूं तो दोनों हाथ को हिला सकता हूं, चाहूं तो इस हाथ को हिला सकता हूं। तो इसी प्रकार से जितने भी कशाभिकाएं हैं उनमें स्वतंत्रता पूर्वक गमन या गति हो सकती है, जबकि जो पक्षमाभिकाएं होती है वो सारी की सारी पक्षमाभिकाएं एक साथ गमन करती है। ठीक है, डायनो यानी इनमें दो कशाभिकाएं पाई जाती है मुख्य रूप से, और ये भी जो जीव है वो सारे के सारे समुद्री हैं और प्रकाश संश्लेषी है, और इनमें मुख्य रूप से हरे, भूरे, लाल आदि वर्णक दिखाई देते हैं, और सेल्युलोज की बनी हुई इसके अंदर पट्टिकाएं पाई जाती है। और अधिकतर जो डायनोफ्लेजिलेट होते हैं वो मैंने आपको बताया दो कशाभिका युक्त होते हैं, और जब ये फट जाते हैं, ठीक है, तो फटने के कारण इनसे लाल रंग उत्पन्न होता है, जिससे समुद्रों का रंग भी क्या है, लाल दिखाई देता है, उदाहरण गोनियोलेक्स। तीसरा है युग्लिनॉइड, तो आप लोग जानते हो इसका उदाहरण युग्लिना, जिसकी चर्चा अपन ने पहले भी की थी कि युग्लिना क्या है, पादप और जंतु के मध्य योजक कड़ी है। क्यों है, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि इसमें पादपों के लक्षण भी पाए जाते हैं। पादपों का क्या लक्षण है, हरित लवक की उपस्थिति, इसमें हरित लवक उपस्थित होता है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कब, जब जल की ऊपरी सतह के ऊपर हो या इन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध होता है, उस स्थिति में ये क्या कर सकते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जबकि जब ये जल के पैंदे में हो, अर्थात इनको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है, उस समय ये परपोषी प्रकार के हो जाते हैं। चौथा अपना अपवंक कवक, अपवंक कवक, अपवंक कवक क्या है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है। मृतोपजीवी का अर्थ होता है कि वे जीव जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी। तो अपवंक कवक क्या है, मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है, और ये क्या करते हैं, सूखी टहनियों, पत्तों, पादपों, मरे हुए छोटे छोटे जीवों, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में, ध्यान से सुनना ये बात, अनुकूल परिस्थितियों में ये जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं या समूह का निर्माण कर लेते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। दूसरी बात, प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये तो बात हुई अनुकूल परिस्थितियों की, और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर जाते हैं और बीजाणु युक्त फलन काय का निर्माण करते हैं, और वायु के द्वारा इनका प्रक्षेपण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। तो ये हो गया अपने अपवंक कवक। चौथा, सॉरी पांचवा है प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ जो होते हैं वो देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रोटो, प्रोटो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी पुराने, जोआ का मतलब है जीव या जंतु। पहले इसको प्रोटोजोआ के अपन नॉन कोर्डेटा का प्रथम समूह इसके अंतर्गत अध्ययन करते थे, लेकिन विटेकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसका अध्ययन अपन प्रोटिस्टा के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि ये क्या है, यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं, परपोषी प्रकार के होते हैं और ये परजीवी के रूप में रह सकते हैं, प्राणियों के शरीर के अंदर भी ये रह सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ को उनमें पाए जाने वाले गमनांग के आधार पर चार भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है अमीबीय, उदाहरण एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का, जो डायरिया रोग भी फैलाता है। यहां अमीबीय का मतलब क्या है कि वह प्रोटोजोआ जो गमन जो है वो कूटपाद, कूटपाद के द्वारा गमन करता है। कूटपाद किसे कहते हैं, स्यूडोपोडिया, यानी वास्तविक पैर नहीं होते, लेकिन गमन करते समय ये क्या करते हैं, पैर जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, कूटपाद। दूसरा कसाभी, यानी इनमें गमनांग जो है कसाभिका के द्वारा होता है। उदाहरण ट्रिप्नेसोमा, ट्रिप्नेसोमा के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि अफ्रीका के अंदर जो निद्रालु रोग होता है, यानी कुंभकर्ण की तरह वो लोग सोते रहते हैं, ठीक है, तो ये ट्रिप्नोसोमा के काटने से अफ्रीकी निद्रालु रोग भी होता है। और इनमें गमनांग कसाभिका, जिसकी चर्चा पढ़ने पहले की, जो बड़े आकार की संरचना होती है। तीसरा है पक्षमाभी, उदाहरण पैरामीशियम, तो आप लोग जानते हैं पैरामीशियम की संपूर्ण, पैरामीशियम का आकार जो है वो चप्पल की भांति होता है और ये भी एक परपोषी जीव है। ठीक है, और इसके संपूर्ण सतह के ऊपर क्या होते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से गमन करते हैं। और लास्ट अपना स्पोरोजोआ, जिसमें गमनांग का अभाव होता है। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, मलेरिया रोग कौन फैलाता है, ठीक है, ये आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता, तो अब आप सुन लीजिए, मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, और उसका रोग का कारक कौन होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा एनाफिलीज मच्छर जो है चूसकर दूसरे व्यक्ति को जब काटती है तो उसके रक्त में उसको छोड़ देती है और वह व्यक्ति भी मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाता है। तो फैलाने का काम मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा किया जाता है, रोग कारक कौन होता है, प्लाज्मोडियम, अर्थात इसमें गमनांग का अभाव होता है, स्वयं ये कहीं पे भी गमन नहीं कर सकता। ये हो गया अपना प्रोटिस्टा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कवक के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।